हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सादा सिंपल फ़ोन को आईफोन 13 नहीं बल्कि आईफोन 15 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट सुना है कि आप अपने फ़ोन को आईफोन 13 नहीं बल्कि आईफोन 15 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है आईफोन 13 नहीं बल्कि आईफोन 15 है, ये जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है लेकिन प्ले स्टोर पर ये लॉन्च हो चुका है। उसको अगर आप भी चाहते हैं ये बनाना, अपने फ़ोन को सादा सिंपल फ़ोन को आईफोन 15 बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीट ही वॉच करना ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला कि आईफोन 13 को आईफोन 15 में कैसे बदलें। अगर आप भी चाहते हो इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को सीखना, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। चलिए दोस्तों, नॉट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो आपको सबसे पहले अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन में iOS लॉन्चर 15 डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं iOS 15 को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप iOS 15 को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अलाउ iOS लॉन्चर टू सक्सेस दिस डिवाइस अ लोकेशन। तो हमें ये विल अलाउ सब अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, तो यहाँ पे है लॉक स्क्रीन, कंट्रोल सेंटर, एसेसिव टच बटन। तो इसका ये तीन ऑप्शन है, हमें ये डाउनलोड करने हैं। अगर ये आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम थेम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है लेआउट, तो ये बहुत ज़्यादा लेआउट आउट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा डार्क मोड, आईफोन 8 स्टाइल, पेंडिंग बटन, ऑटो रिचार्ज ऐप्स, हिडन नेविगेशन बार, ऑन होम। तो और इसके बाद आइकॉन साइज, जैसे आप अपने साइज, जो आप अपने ऐप का साइज कितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं। 5x4 में रखना चाहते हैं या 6x4 में रखना चाहते हैं तो उतना बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप डार्क मोड करना चाहते हो तो डार्क मोड कर सकते हो। तो इसमें मेन सेटिंग है आईफोन 8 स्टाइल, तो हमको इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपके सामने आपका होम स्क्रीन खुल जाएगा कुछ ही देर में। तो जैसा कि मेरा ये होम स्क्रीन खुल चुका है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ चुका है वेलकम टू वॉलपेपर सेटिंग, टच आ होल्ड बैकग्राउंड टू कस्टमाइजेशन। तो हमें आपको नीचे देखना है, नीचे करने के बाद आपको डोंट आस्क अगेन और यहाँ पे आएगा iOS लॉन्चर। अगर आप iOS लॉन्चर पर क्लिक करोगे तो ही आपका फ़ोन आईफोन 15 बन पाएगा। अगर आप सिस्टम लॉन्चर पे कर दोगे तो जैसा आपका फ़ोन था वैसा ही हो जाएगा। तो हमें iOS लॉन्चर 15 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे गो इट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइज, हमारा फ़ोन iOS 15 बन चुका है। गाइज, मैंने कहा था ना हमारा फ़ोन iOS 15 में बना के रहूँगा। उसके बाद आपको फिर पर iOS लॉन्चर पर क्लिक कर देना, और भी कुछ मैंने आपको बताना है ना, इसलिए आपको वेट्स पे जाना है। इसके बाद अगर इसका हमें कोई मतलब नहीं है तो अगर इसके बाद आप ब्लर इफेक्ट पे जाओ, जैसे कि अगर आप ये देख रही हो, जैसे मैं ये वाला फोल्डर खोलता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट आ जाता है, तो ये होता है ब्लर इफेक्ट, इसी में आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेंज आइकॉन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे व्हाट्सअप का मैं यहाँ पे कोई लोगो चेंज करना चाहता हूँ, व्हाट्सअप का कहाँ गया व्हाट्सअप, हाँ जैसे मान लीजिए पबजी मोबाइल लाइट का मैं लोगो चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे आप एडिट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट करने के बाद आप यहाँ से अपना कोई सा भी लोगो देख सकते हैं। जैसे पबजी मोबाइल लाइट को आप फेसबुक का लोगो देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अगर मैं लौट के जाऊँगा पबजी मोबाइल लाइट को देखूँ तो यहाँ पे एक तो फेसबुक ये रहा एंड सेकेंड फेसबुक ये रहा पबजी मोबाइल लाइट। ये दोस्तों उसके लिए है, जैसे आपका भाई आपके फ़ोन में बार बार पबजी खेलता है या और भी कुछ व्हाट्सअप चेंज देखता है, तो आप व्हाट्सअप का लोगो बदल के आप iOS लॉन्चर का यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो।
बहुत आसान तरीके से। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे चेंज नेम, जैसे मैंने कहा था आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सअप, जैसे आप यहाँ पे फेसबुक का नाम देना चाहते हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ रोहित नायक, यहाँ पे मैं रोहित नायक लिख देता हूँ, रोहित एन ए भाई के फेसबुक के बदले रोहित नायक लिखने के बाद हमें ओके कर देना। अगर आप फेसबुक पर जाओगे तो यहाँ पे आपको रोहित नायक ही लिखेगा। देखो मैंने कहा था ना, एक तो ये रहा रोहित नायक आ गया ना फेसबुक का। इसके बाद आपको अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको सब बता दिया। ऐप लाइब्रेरी से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें ऐप देखने के कितने ऐप हैं। और इसके बाद हिडन ऐप, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें अगर जैसे आपका व्हाट्सअप अगर आप छुपाना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ व्हाट्सअप कहाँ गया व्हाट्सअप, हाँ ये सबसे एंड में, जैसे आप व्हाट्सअप छुपाना चाहते हो तो हमें प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना, तो ये व्हाट्सअप हमारा ऊपर माइनस में पहुंच चुका है। अगर आप इसको निकालना चाहते हो, व्हाट्सअप को छुपाना नहीं चाहते, इसको माइनस कर देना, माइनस करने के बाद व्हाट्सअप हमारा निकल जाएगा। अगर आप ये करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन वेब्स, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसके हमें ऐप डाउनलोड करना है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप शेयर करो डाउनलोड कुछ भी मतलब नहीं है गाइज हमें इससे नोटिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पे है मेक डिफॉल्ट लॉन्चर, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ये iOS अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, iOS लॉन्चर को अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहते, तो आप ये आसान तरीके से कर सकते हैं। हाँ तो गाइज यही था iOS लॉन्चर 15 का। तो दोस्तों आप सब लोग देख आए मेरी वीडियो को, अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना तो मत ही भूलना। आप लोगों के जो ये लाइक कर देते तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो बनाना सीख गए या फिर आईफोन बनाना सीख गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।